पूरा देश भारत महात्मा गांधी को महात्मा कहता था, मगर एक ही आदमी था जिसने कहा कि महात्मा नहीं कहूंगा, वो कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा उनको मिस्टर कहा और कहा कि मैं महात्मा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि महात्मा हिंदू उपाधि है। उसके बाद भी जिन्ना के साथ बातचीत चलती रही। इन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया कि मिस्टर जिन्ना बोला गया। उस जिन्ना की मजार पे कौन गया था आपको पता है सुधांशु जी? आपके मार्गदर्शक मंडल के सदस्य उस जिन्ना की मजार पे गए थे। उसके बारे में मुंह से आपके कुछ शब्द नहीं निकले। मैंने आपसे बार बार कहा और फिर दोहराता हूं, यस्वी लोग हैं हमारे पास, उनकी बात सत्ता में बैठे हुए लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं। ये क्या हालत बना ली आपने अपनी? क्यों कहा माता गांधी आप पकड़ कर? अब आइए जहां राहुल गांधी जा, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया। जिस बात नहीं पता ना आपको, क्योंकि आप तो वो पन्ना लेके आते हो जो आपके हेडक्वार्टर से आपको टीवी स्क्रीन पे जाके बोलना होता है। मैं चुप हो गया, बोलिए ना सुधांशु जी, कितनी मंडिया बंद हुई। हाँ सुनिए बताइए, यथावत है एमएसपी यथावत है आपको बहस करने की बात तो हाँ या ना में है? किसानों की बहस बोलिए, यस सवाल सुनिए आप, बदल बदल भाई भाई भाई, यहाँ से सांसद है वहां मंडी है, नहीं मैं बोल रहा हूँ नहीं है, और यही सत्य का झूठ उजागर होता है। अब मैं उत्तर देता हूँ, 2015 में हमने जो दिया था नहीं होता, जवाब दे रहा हूँ, मगर पद नहीं रखूंगा। तो वो 20वीं सदी के गांधी थे, एक गांधी वो थे और एक गांधी ये है, एक वो थे एक ये है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जवाब है सवाल का जवाब दीजिए, राहुल गांधी जी को गाली बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं राहुल गांधी जी की गाली बोलने से आपको छोड़ने वाला नहीं। अच्छा इतना उत्तेजित मत होइए, ये सवाल का जवाब विचारधारा गांधी की विचारधारा उत्तेजना की नहीं है, गांधी की विचारधारा उत्तेजना की नहीं है, गांधी की विचारधारा में उत्तेजना और क्रोध का कोई स्थान नहीं है। उत्तेजना और ये गांधी की विचारधारा है, गोडसे की विचारधारा में मत जाइए सुधांशु जी। जाएंगे किसानों को दिया था कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए, मैं चुप हूँ। सुधांशु जी मुझे आपकी आवाज आई नहीं। मानक जी मेरे प्रश्न, मैंने तो बड़ा संक्षिप्त बोला, गौरव जी ने अपना लंबा भाषण दिया, महात्मा महान आत्मा के हत्यारे को आतंकवादी मुर्दाबाद बोलने का साहस नहीं जुटा पाए, शहीद आदम भगत सिंह को आतंकवादी कहने के लिए माफी नहीं मांग पाए। बदत है भाई, अभी बदत है अभी। अरे आप तो वो लोग हो जो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे जब महात्मा और महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के मूल्यों के लोग जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आपके तथाकथित वीर, क्योंकि वो वीर नहीं थे, आपको वीर कहना पड़ता है। क्या गजब बेइज्जती है, क्या आपने कभी सुना सुधांशु जी कि महाराणा प्रताप के आगे वीर लगाना पड़ा हो, महाराणा सांगा के आगे वीर लगाना पड़ा हो? वीर उनको लगाना पड़ता है जो वीर नहीं होते। आपके वो तथाकथित वीर उस समय अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए बैठे थे, मुस्लिम लीग के साथ पहली सरकार बनाने वाले बंगाल को में आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, और हमको आतंकवाद का पाठ पढ़ाते हो, शर्म नहीं आई आपको? आपने आसिया अंद्राबी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया कश्मीर में जब आपने संयुक्त सरकार बनाई, और हमको आतंकवाद का पाठ पढ़ाते हो तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी वाह वाह, और आकर यहाँ भाषण दे रहे हैं राम को झूठा कहने के बाद, कह रहे उसको छोड़ दीजिए। देखिए रिमाइंड करके देख लीजिएगा, 2007 में बोला उसको छोड़ दीजिए। ये बताइए महात्मा गांधी ने किताब लिखी थी 1909 में हिंद स्वराज, फिर भी मैं कहता हूँ नहीं नहीं, इसकी डिग्री सही है, इसकी सही है, इसकी सही होगी, फिर अपने आप को समझाता हूँ। अरे ये वो पार्टी है, ये वो परिवार है जिन्होंने अपना शीर्ष आतंकवाद के लड़ते लड़ते पर झुके नहीं, अपने शरीर के 100 चिकटड़े करवा लिए पर आतंकवादियों के सामने झुके नहीं। ये बात है, अरे सर क्या बात है। पर राम राज्य की बात करने वालों से मैंने सवाल पूछा था, हाथरस की बेटी रात को 2 बजे केरोसिन छिड़क के जलाई जाती है, राम राज्य की बात करते हो? ओके सुधांशु जी वन मोर, नाम मुंह से लेना आपके लिए कायदा, इसके बाद आगे बढ़ो। शर्म आया है, स्वराज मतलब स्वाकार्थ, आज तो स्वदेशी उन्होंने कहा था, जब स्वदेशी नेतृत्व तो नहीं रह जाता है तो ऐसे ही विचार इनके बारे में आते हैं। और जहां तक आपने कहा मैं तो कहने को तैयार हूं गोडसे मुर्दाबाद, आप बोलो तो गांधी परिवार मुर्दाबाद, आत्मा का हत्यारा मुर्दाबाद, मैं कहूंगा शरीर का हत्यारा मुर्दाबाद। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और एक और बात बता दीजिएगा, 3 चीजें आप दुनिया का एक आतंकवादी बताइएगा जिसने किसी व्यक्ति की हत्या करने से पहले उसके पैर छुए। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं ये देश गांधी का है, मगर गांधी नाम लगा लेने से कुछ नहीं होता, गांधी का आचरण। चुप कर बे कुत्ते, आप सुनिए, अब आप बोलिए, मैं अपेक्षा करूंगा, आप बोलिएगा किंतु परंत मत बोलिए, कहिएगा एक एक सवाल का जवाब दूंगा गांधी परिवार मुर्दाबाद, बोलिए एक एक सवाल का जवाब, सुनिए बीच में ना बोल। आपसे आपसे मैंने पूछा कि क्या और शहीद आजम भगत हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी मानते हैं? आप जवाब दीजिए इसका, आप इधर उधर, मैं आपको इधर उधर नहीं जाने दूंगा। आप मानते हैं कि क्या माथुराम गोडसे और गोडसे की विचारधारा के लोग हिंदुस्तान के पहले आतंकवादी थे? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास उससे 3-4 दिन पहले भी हुआ था,
उसके बाद भी उस समय की सरकार ने कितनी सिक्योरिटी दी थी महात्मा गांधी को, जब पूरे देश में इतना भयानक वातावरण था। गांधी की बात करें तो गांधी की बात नहीं चल सकती, आपको सीधा जवाब देना पड़ेगा कि क्या नाथूराम। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे और आतंकवादियों का समर्थन गजब। अफजल के पक्ष में शशि थरूर मणिशंकर अय्यर के ट्वीट और महात्मा गांधी के इकलौते समर्थन, वाह भाई वाह। और इतना में प्रस्ताव पारित करने वाले आतंकवादियों के नमाज़े जनाजा में जाने वाले महात्मा गांधी के समर्थक, उसने ने महात्मा गांधी की हत्या की। सुनिए आप सुनिए मेरी बात, मुझे समय दीजिए, मैंने आपकी बात पूरे ध्यान से सुना। आपने मेरे दो प्रश्नों को, दो बार मैंने एक ही प्रश्न को पूछा कि क्या आप नाथूराम गोडसे को हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी मानते हैं, आपने इसका जवाब नहीं दिया। बस हवा निकल गई, आपको शर्म नहीं आई? ये वो परिवार है, ये वो पार्टी है जिसने अपने शीर्ष नेतृत्व को आतंकवाद के कारण खोया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार बीरेन सिंह, विद्याचरण शुक्ला, अरे आतंकवाद में एक बूंद खून भी निकलवाया आपने। और अजर महमूद को कंधार छोड़ने वाले लोग आतंकवाद की बात करते हैं देश में। बिल्कुल देखिए, शर्म शर्म बहुत बोल रहे हैं गौरव बल्लभ जी, अब बिल्कुल फैक्चुअल बात करता हूं। आपने वीर की बात कही, मैं खुल के बोल रहा हूं, आप वीर सावरकर के लिए बोल रहे हैं। मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, मुझे नहीं पता किस पर सवाल था गौरव बल्लभ, पर मेरी बात सुनिए आप, सुनिए पूरी बात, मुझे आप मुझे बोलने जवाब देने का समय दीजिए। अरे भाई आप मुझे क्या तरीका है, आप देखिए क्या तरीका है सुधांशु। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था, नहीं पता है तो मैं बोलता हूं कि क्या नाथूराम गोडसे हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी मानते हो? जब वीर सावरकर के साथ सजा हुई है, ये टूल किट नहीं चलेगी यहाँ पे, ये टूल किट नहीं चलने दूंगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? गांधी को सरदार पटेल के सामने लाके खड़ा कर माने जी, या तो मेरे तो मैं बोलूं इनका पूरा उत्तर बोलिए, ये बोलिए तूने ये नहीं पता कि 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम वेडनबर्न। आप कहां के ज्ञानी बाबा? और विलियम वेडनबर्न ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था, तो पिट्ठू कौन हुआ गौरव जी, सावरकर या जो ब्रिटिश सरकार के बाबू के पैरों तले बैठ के उसकी सदारत में स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे? जनाब इतना आसान नहीं है घुमाना। कोई बात नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था जब ये तथाकथित वीर अंग्रेजों की गोदी में बैठे थे, अंग्रेजों की खुफिया गुप्तचर सूचनाएं देते थे, ये तथाकथित वो लोग हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? दूसरी बात, पूरा देश भारत महात्मा गांधी को महात्मा कहता था, मगर एक ही आदमी था जिसने कहा कि महात्मा नहीं कहूंगा, वो कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा उनको मिस्टर कहा और कहा कि मैं महात्मा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि महात्मा हिंदू उपाधि है। उसके बाद भी जिन्ना के साथ बातचीत चलती रही। सातवीं फेल, चुप हो जा। इन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया कि मिस्टर जिन्ना बोला गया। उस जिन्ना की मजार पे कौन गया था आपको पता है सुधांशु जी? आपके मार्गदर्शक मंडल के सदस्य उस जिन्ना की मजार पे गए थे, उसके बारे में मुंह से आपके कुछ शब्द नहीं निकले। मैंने आपसे बार बार कहा और फिर दोहराता हूं, यशस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, बताओ कि क्या नाथूराम गोडसे को आप हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी मानते हैं या नहीं? आपने नहीं माना, आपने स्वीकार नहीं किया। मैंने आपसे बार बार पूछा आतंकवाद की बात करने वाले लोगों, पठानकोट में ISI क्यों घुसी थी मोदी जी की सरकार में, उसका आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। आतंकवाद की बात करने वाले लोगों, चैलेंज करता हूं सुधांशु जी आपको, चैलेंज, और ये मेरा चैलेंज है, एक बूंद भी आपने भारत की आजादी में गवाई हो, एक बूंद अपने लहू की, तो उस व्यक्ति का नाम बताइए जो आपकी विचारधारा का आदमी हो। असंभव, असंभव। आज महात्मा गांधी जी के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती है, क्या नारा था? जय जवान जय किसान। आज 10 महीने से हजारों लाखों किसान प्रधानमंत्री जी के आवास से, सुधांशु त्रिवेदी जी के आवास से 20 किलोमीटर की दूरी पर बैठे, आधा घंटा रोक नहीं सकता था क्या? क्या आपके पास समय नहीं है उनके पास जाके उनसे बात सुने? 8 महीने 10 दिन हो गए मानव जी बातचीत बंद हुए, क्या आपके पास समय नहीं है बातचीत चालू करने के लिए? 700 से ज्यादा लोग किसानों ने अपनी जान दे दी, क्या आपके पास समय नहीं है बातचीत करने के लिए? MSP मांग रहे हैं वो अपने फसलों की, न्यूनतम MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। MSP का मतलब मोदी सपोर्ट प्राइस नहीं है। जो साध्वी प्रज्ञा जी क्या क्या बोलती है महात्मा गांधी जी के लिए, वो मैं आपके टेलीविजन पे आपको सुधांशु जी कर सकता हूं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसान आंदोलन को सत्याग्रह से जोड़ दिया राहुल गांधी ने। ये कौन सा मन है, ये कौन सा मन है जिससे आप देश के राष्ट्रपिता के लिए अपशब्द सुन लेते हो? बहुत
बहुत अच्छी बात कही है राहुल गांधी जी ने, सत्य के लिए एक ही सत्याग्रही काफी होता है, परंतु मानक जी एक सत्याग्रही के लिए एक सत्य भी होना चाहिए और एक आग्रह भी होना चाहिए। पहला सत्य यह है कि मंडी कानून होना चाहिए, मगर राहुल गांधी जी खुद जिस राज्य से सांसद हैं यानी केरल में, वहां मंडी कानून नहीं है, यानी तथाकथित काला कानून है। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। सुधांशु जी जरा बताइए, पिछले 3 साल में मध्य प्रदेश में कितनी सरकारी मंडियां बंद हुई जरा बताइए, और कितनी चालू हुई? मैं चुप हो जाता हूँ, पूछिए इनसे, नहीं पता ना आपको, क्योंकि आप तो वो पन्ना लेके आते हो जो आपके हेडक्वार्टर से आपको टीवी स्क्रीन पे जाके बोलना होता है। मैं चुप हो गया, बोलिए ना सुधांशु जी, कितनी मंडियां बंद हुई? नहीं बोलिए, कितनी आपने खोली पिछले 3 सालों में, पिछले 5 सालों में कितनी, मैंने पिछले 7 सालों में कितनी? मेरा सवाल आपसे पूछा कि जहां राहुल गांधी सांसद है वहां मंडी का कानून है? सुनिए मैं बता रहा हूं, बताइए मध्य प्रदेश में पिछले 7 सालों में कितनी अनाज की मंडियां चालू हुई या बंद हुई? कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यहां। ठीक, हां सुनिए बताइए, मंडियां यथावत है, एमएसपी यथावत है, आपको खा या ना, और किसानों की बहस करने के लिए तो हाँ या ना, मैं किसानों की बहस हाँ या ना, बोलिए बोलिए, यस या नो, सुनिए आप, बोलो कि यस या नो। करूंगा मगर पद नहीं रखूंगा, तो वो 20वीं सदी के गांधी थे, एक गांधी वो थे और एक गांधी ये है, एक वो थे एक ये है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जवाब है सवाल मंडी का, जवाब दीजिए, राहुल गांधी जी को गाली बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं राहुल गांधी जी की गाली बोलने से आपको छोड़ने वाला नहीं। अच्छा विचारधारा उत्तेजना की नहीं है, गांधी की विचारधारा उत्तेजना की नहीं है, आप आराम से गोदसे की विचारधारा ना अपनाइए, वापस गांधी की विचारधारा में आइए। नहीं नहीं, अभी और सुनिए, गांधी की विचारधारा में उत्तेजना और क्रोध का कोई स्थान नहीं, उत्तेजित राहुल गांधी रहते हैं मान्यवर, कितना सत्य है ये, गोडसे की विचारधारा, पहले इसका जवाब दीजिए, उत्तेजना और क्रोध गोडसे की विचारधारा, हंसिए बोलिए, है नहीं है ये गांधी की विचारधारा है, गोडसे की विचारधारा में मत जाइए सुधांशु जी, करवाली बेइज्जती, गांधी की विचारधारा में आइए। फिर तीसरा सवाल नहीं है, तीसरा सवाल नहीं, अरे हाँ या ना में जवाब दे दो ना भाई साहब, इतना उत्तेजना क्यों करते हो, गांधी की विचारधारा पकड़िए, किसी की विचारधारा से नहीं, सत्य की विचारधारा से, सत्याग्रह की विचारधारा से, बताइए बताइए, मैं आपसे सत्य के लिए आग्रह कर रहा हूं कि आपने क्या 2015 में ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि नहीं कि अगर एमएसपी दे देंगे तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएंगे किसानों को, दिया था कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए, मैं चुप हूं। सुधांशु जी मुझे आपकी आवाज आई नहीं, जहां से सांसद है वहां मंडी है या नहीं, मैं बोलता हूं नहीं है, और यही सत्य का झूठ उजागर होता है। अब मैं उत्तर देता हूं, 2015 में हमने जो दिया था, आपने नहीं होता, जवाब दे रहा हूं, 2015 में हमने तीन सवाल पूछे थे सुधांशु जी, तीन सवाल फिर दोहराऊंगा, जब मेरा टाइम आएगा जब फिर दोहराऊंगा, एमएसपी डबल, कमाल की बात, सत्ता में बैठे हुए लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, ये क्या हालत बना ली आपने अपनी, क्यों कहा माता का मैं आप बता रहे, अब आइए जहां राहुल गांधी जा, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, आप स्वामीनाथन, आप मोदीनाथन बन चुके हो, जुमलानाथन बन चुके हो, आप स्वामीनाथन नहीं रहे, आपने स्वामीनाथन कमीशन के साथ धोखा किया, किसान प्रतिदिन 27 रुपए कमा रहा है और आप उनके लिए क्या शब्द प्रयोग लाते हो, मवाली, आप में हिम्मत है कि आप विदेश राज्य मंत्री को बोलो कि विदेश राज्य मंत्री जी आपने जो कहा वो गलत है, आप में हिम्मत है, आप में हिम्मत है हरियाणा के कृषि मंत्री जिसने जिन्होंने किसानों के लिए कहा ये तो खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये ठलुए है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य है, ये जिन जिन लोगों ने, जिन जिन सांसदों ने बोले कि आपने उनको भाजपा के बाहर का रास्ता दिखाया, आपने तो अधिकारियों को बोला इनके सिर फोड़ दिए जाए, और जब वो करनाल में अपनी बात कहने मिनी सेक्रेटरीट पहुंचे तो पेड़ कटवा दिए ताकि वो आराम से जमीन पर नहीं बैठ सके, पर मैं आपको एक बात बता दूं, सत्याग्रह के लिए जय, ये गांधी की भूमि है, ये गोडसे की भूमि नहीं है, ये मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ, बोली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। और अभी तो Let me up with a bright smile on now. Meet me in the dark.